वस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स। वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? प्लांट के अंदर जो भी फूड या मिनरल्स, वाटर सब ट्रांसपोर्ट होते हैं वो वस्कुलर बंडल्स की हेल्प से ही होते हैं। वस्कुलर बंडल्स आर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वस्कुलर प्लांट्स। देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ वस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। दीज आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड एज वस्कुलर बंडल्स। फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम सपोर्ट्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी जो है जिसका एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे ये एक प्लांट है, पानी को ऊपर जाना है रूट्स से होते हुए, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर जाइलम का काम होता है। इसके बाद फूड है, फूड को हर जगह जाना है प्लांट के अंदर, तो बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल बाय फ्लोएम। फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड। तो ये इनका फंक्शन है। डायकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स के अंदर वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर हम इनके स्टेम की बात करें तो जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है वो ज़्यादातर सेंटर की साइड होता है और फ्लोएम जो है वो बाहर की साइड होता है, आउटसाइड की साइड होता है। डायकोट प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम में कैम्बियम पाया जाता है और मोनोकोट प्लांट्स के स्टेम में कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो डायकोट प्लांट्स हैं, और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो मोनोकोट प्लांट्स हैं। इसके लिए कैम्बियम वर्ड भी कुछ नया लग रहा होगा, तो कैम्बियम के बारे में मैं आगे थोड़ा ज़्यादा एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि वस्कुलर बंडल्स के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल्स बेस्ड ऑन पोजीशन। वस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किस तरह से प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करते हुए वस्कुलर बंडल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेडियल वस्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स एंड कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स। रेडियल वस्कुलर बंडल्स, रेडियल वस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम ओकर्स एज सेपरेट ग्रुप्स ऑन अल्टरनेट रेडियल पोजीशंस। मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जो है ना वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं और आपस में अल्टरनेट करते हैं कि एक जाइलम प्रेजेंट है, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। इस तरह से ये अल्टरनेट करते हैं आपस में। और इनका जो एक्सिस होता है, रेडियस देखो आप, इसका अलग रेडियस है, इसका एक अलग रेडियस है। तो जाइलम और फ्लोएम जो हैं दोनों, दे आर फाउंड ऑन डिफरेंट रेडियस। और रेडियल टाइप के वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो मोस्टली रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर मोस्टली सीन इन रूट्स। इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन में जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरह से वस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, उसे हम कहते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस एंड जस्ट अपोज्ड टू ईच अदर। मतलब जाइलम और फ्लोएम जो अब है कह रहे हैं हम, ये दोनों रेडियस पर, सेम रेडियस पर प्रेजेंट है और आपस में अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं ना जाइलम और फ्लोएम आपस में। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पर प्रेजेंट है और आपस में अपोज कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स। तो कंजॉइंट वस्कुलर बंडल को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स, जनरली जाइलम इज प्रेजेंट टुवार्ड्स द सेंटर एंड फ्लोएम इज टुवार्ड्स द आउटसाइड। जाइलम जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। जैसे कि इसी डायग्राम में अगर समझने की कोशिश करें तो जाइलम जो है वो इनसाइड प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स। ऐसा जनरली होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही होगा, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, कहाँ पाए जाते हैं, कॉमनली ओकर इन डायकोट स्टेम्स। डायकोट स्टेम्स में कॉमनली पाए जाते हैं। कैम्बियल सेल्स, मेरिस्टमेटिक सेल्स दैट आर फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कैम्बियल सेल्स। कैम्बियल सेल्स, जैसे कि ये एक जाइलम है, ये सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, ये जाइलम का पार्ट है, और ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये फ्लोएम का पार्ट है। इन दोनों के बीच में कुछ न्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेरिस्टमेटिक सेल्स का क्या काम होता है, कंटिन्यूस डिवीजन्स, सेल डिवीजन्स होती हैं इनके अंदर कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर जो है एक कैम्बियल की रिंग प्रेजेंट होती है, जिस जो कि मेरिस्टमेटिक सेल्स की बनी हुई होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब इसके बेसिस पर भी वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो ओपन या क्लोज हो सकते हैं। मतलब अगर किसी वस्कुलर बंडल के अंदर ये वाली जो कैम्बियल की रिंग है ये प्रेजेंट है तो वो ओपन वस्कुलर बंडल होगा, और अगर ये कैम्बियल की रिंग प्रेजेंट नहीं है, सिंपल इस तरह से स्ट्रक्चर है, नीचे जाइलम है और ऊपर फ्लोएम है, नीचे क्या है जाइलम और ऊपर क्या है फ्लोएम, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो वो सिंपल होगा, क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर कैम्बियल की रिंग जो है वो एब्सेंट है।
ठीक है, कैम्बियल की सेल समझ आ गया. नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन नंबर एंड पोजिशन ऑफ फ्लोइम ग्रुप, कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल्स आर ऑफ टू टाइप्स. कितने फ्लोइम ग्रुप कितने प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करता है कि कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल्स जो है वो कोलेटरल होंगे या बायकोलेटरल होंगे. मतलब एक बात तो हमें समझ आ गई कि फ्लोइम की पोजिशन पर डिपेंड करता है कि वेस्क्यूलर बंडल्स कोलेटरल होंगे या बायकोलेटरल होंगे. ठीक है, कोलेटरल का क्या मतलब होता है? कोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स, इन दीज जाइलम इज प्रेजेंट टुवार्ड्स द सेंटर एंड फ्लोइम इज प्रेजेंट टुवार्ड्स आउटसाइड. फ्लोइम सराउंड्स द जाइलम विद इन बंडल्स. मतलब कि फ्लोइम जो है वो बाहर की साइड प्रेजेंट है और जाइलम जो है वो अंदर की साइड प्रेजेंट है, और फ्लोइम जो है वो जाइलम को सराउंड कर रहा है. ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोइम बाहर की साइड प्रेजेंट है, जाइलम अंदर की साइड प्रेजेंट है, तो फ्लोइम जो है वो जाइलम को सराउंड कर रहा है. ठीक है, कोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स ओपन और क्लोज तो समझ आ ही गया होगा. तो कोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स में अगर कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है तो वो ओपन कोलेटरल बंडल्स होंगे, और अगर कैम्बियम की रिंग जो है वो एब्सेंट है तो वो क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल्स होंगे, क्लोज्ड कोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स होंगे. कोलेटरल हमने क्यों कहा है? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, सेम रेडियस पर प्रेजेंट है. और क्लोज्ड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैम्बियल की रिंग एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है. और इस तरह के कोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स जो हैं वो जनरली डायकोट स्टेम में देखने को मिलते हैं. कहाँ पर देखने को मिलते हैं? डायकोट स्टेम में. नेक्स्ट हम बात करते हैं बायकोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स की. कोलेट्रल और बायकोलेट्रल, कोलेट्रल में हमने देखा कि एक ही फ्लोइम था, बायकोलेट्रल में दो फ्लोइम होंगे. बाई मतलब दो, और बात हम फ्लोइम के बेसिस पर हमने इन्हें डिवाइड किया तो फ्लोइम का ही नंबर ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है. तो बायकोलेट्रल वेस्क्यूलर बंडल्स में क्या होंगे? फ्लोइम ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, दो प्रेजेंट होंगे. इनके अंदर क्या होता है? दीज कंटेन टू पैचेज ऑफ फ्लोइम ऑन ईदर साइड ऑफ जाइलम ऑन सेम रेडियस. रेडियस भी बिल्कुल सेम है, लेकिन जाइलम की किस दोनों साइड्स पर, जैसे कि ये एक जाइलम है, ये जाइलम है, और यहाँ पर भी फ्लोइम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी फ्लोइम प्रेजेंट होगा. इस तरह से बायकोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, टू पैचेस ऑफ फ्लोइम ऑन ईदर साइड ऑफ जाइलम ऑन द सेम रेडियस. नाउ फ्लोइम इज प्रेजेंट टुवार्ड्स द पेरिफेरी एंड जाइलम इज टुवार्ड्स द सेंटर. टू पैचेस ऑफ कैम्बियम आर फाउंड, आउटर कैम्बियम एंड इनर कैम्बियम. अब इसके अंदर कैम्बियम के भी दो पाउचेस पाए जाते हैं, एक क्या होगा? आउटर कैम्बियम, और एक क्या होगा? इनर कैम्बियम. कैम्बियम के दो पाउचेस पाए जाते हैं, आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम. आउटर कैम्बियम सेपरेट्स फ्लोइम एंड जाइलम. आउटर कैम्बियम जो है फ्लोइम और जाइलम को सेपरेट कर रहा है. इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आउटर जाइलम कहाँ है? यहाँ पर, और इनर जाइलम है ये बीच में जाइलम के वेस्क्यूलर बंडल्स जाइलम प्रेजेंट है, और दोनों साइड पर फ्लोइम ने से घेरा हुआ है. तो फ्लोइम जो है वो आउटर पर प्रेजेंट है, उसके बाद एक कैम्बियम की रिंग है, उसके बाद जाइलम है. जाइलम का काफ़ी ब्रॉड पाउच है, उसके बाद एक कैम्बियम की रिंग है, और उसके बाद एक फ्लोइम है. तो जब डिवीजन होती है तो वो इस तरह से चलती है, मतलब इस तरह से सेल के अंदर डिवीजन होती है. तो ये कैम्बियल की रिंग इस तरह से प्रेजेंट है, तो ये वाला इनर होगा कैम्बियल, और ये वाला क्या होगा? आउटर कैम्बियम होगा. तो बायकोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स हैं ये. आउटर कैम्बियम जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है इनर कैम्बियम से, इनर कैम्बियम से आउटर कैम्बियम जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है. तो इसमें समझ आ गया, आउटर कैम्बियम जो है वो किसको सेपरेट कर रहा है? आउटर फ्लोइम और जाइलम को सेपरेट कर रहा है. और इनर कैम्बियम जो है वो किसको सेपरेट कर रहा है? जाइलम को और इनर फ्लोइम को, अंदर की साइड जो फ्लोइम प्रेजेंट है उसे. एक फ्लोइम आउटर पर प्रेजेंट है और एक फ्लोइम जो है वो इनर साइड पर प्रेजेंट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल्स. थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास कॉन्सेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल्स. कॉन्सेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोइम सेल्स आर नॉट फाउंड इन सेपरेट बंडल्स, इंस्टेड ऑफ इट दे कम्प्लीटली सराउंड ईच अदर. मतलब कि जो जाइलम और वेस्क्यूलर बंडल्स हैं वो अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, बल्कि एक दूसरे को सराउंड करते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो ना, दो रिंग्स बनी हुई है, अंदर वाला जो है, बाहर वाला जो है वो अंदर वाले को सराउंड कर रहा है कम्प्लीटली. तो बाहर जाइलम या फ्लोइम कुछ भी हो सकता है, और अंदर उससे अपोजिट होगा. अगर अंदर की साइड जाइलम प्रेजेंट है तो बाहर क्या होगा? फ्लोइम प्रेजेंट होगा. और अगर अंदर फ्लोइम प्रेजेंट है तो बाहर क्या होगा? जाइलम प्रेजेंट होगा. यही होता है कॉन्सेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल्स. जाइलम एंड फ्लोइम्स आर नॉट फाउंड इन सेपरेट बंडल्स, इंस्टेड दे कम्प्लीटली सराउंड ईच अदर. अब कॉन्सेंट्रिक बंडल्स जो हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एम्फीक्राइबल और एम्फीबेसल. एम्फीक्राइबल और एम्फीबेसल वेस्क्यूलर बंडल्स,
एम्फीग्राइबल का क्या मतलब होता है कि जब जाइलम अंदर की साइड प्रेजेंट है और फ्लोइम उसको सराउंड कर रहा है, और एम्फीवेसल का क्या मतलब होता है कि जब फ्लोइम इनर साइड पर प्रेजेंट है और जाइलम उसको सराउंड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्फीवेसल वास्कुलर बंडल्स। एम्फीग्राइबल वास्कुलर बंडल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा टेरिडोफाइट्स, और एम्फीवेसल बंडल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकोट्स। एम्फीग्राइबल का एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स, जिसमें जाइलम अंदर प्रेजेंट होता है और फ्लोइम उसको सराउंड करता है। एम्फीवेसल का मतलब हो जाएगा फ्लोइम इनसाइड प्रेजेंट है और जाइलम इज सराउंडिंग द फ्लोइम, एग्जाम्पल मोनोकोट्स। ठीक है, तो ये थे तीनों टाइप के वस्कुलर बंडल्स, रेडियल वस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल एंड कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपने कुछ कॉमन टर्म्स सुनी होगी वस्कुलर बंडल्स में, एंडार्च वस्कुलर बंडल है या फिर एग्जार्च जाइलम है, ये वर्ड काफ़ी कॉमनली लिखे हुए मिलते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, जाइलम जो है वो दो टाइप्स का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम है उसका मतलब होता है कि वो जो जाइलम के सेल्स पहले बने हैं, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम जो है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो सेल्स बाद में बने हैं उनसे बना हुआ जाइलम जो है उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम मतलब जो पहले बना हुआ है, और मेटाजाइलम का मतलब है कि जो बाद में बना है। तो इनके बेसिस पर ही इनको दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया, एंडार्च जाइलम और एग्जार्च जाइलम। एंडार्च जाइलम का क्या मतलब होता है, एंडार्च जाइलम का मतलब होता है कि अगर प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म क्या था, जो पहले बने हुए सेल्स थे, अगर वो पहले बने हुए सेल्स जो हैं वो अंदर की साइड प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम अगर अंदर की साइड प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं एंडार्च जाइलम। या एग्जाम्पल स्टेम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके अंदर सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट होती है। और जो एग्जार्च होते हैं इनके अंदर प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। मेटाजाइलम मतलब बाद में फॉर्म हुए सेल, और मेटाजाइलम का मतलब क्या हुआ, बाद में बने हुए सेल्स, और प्रोटोजाइलम का मतलब क्या हुआ, पहले बने हुए सेल्स। तो प्रोटोजाइलम अगर पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे एग्जार्च कंडीशन, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है और मेटाजाइलम जो है वो इनसाइड प्रेजेंट है टुवार्ड्स द सेंटर। तो इसमें अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो प्रोटोजाइलम बाहर प्रेजेंट है, ये प्रोटोजाइलम क्या है, जो पहले बने हुए सेल्स है, पहले बने हुए सेल्स हैं ये प्रोटोजाइलम, पहले बने हुए सेल्स। ठीक है, मेटाजाइलम जो है वो इसके अंदर की साइड प्रेजेंट है, ये बाद में बने हुए सेल्स हैं, ये बाद में बने हुए सेल्स हैं। ठीक है, अब ये बाद में बन रहे हैं और ये पहले बने हुए हैं, तो इसके अंदर कैसी अरेंजमेंट हो रही है, सेंट्रिपिटल अरेंजमेंट हो रही है, इस तरह से ये चल रहा है ना इनसाइड, तो इसमें कैसी अरेंजमेंट है, सेंट्रिपिटल अरेंजमेंट है। अगर हम एंडार्च कंडीशन की बात करें तो एंडार्च कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट है। यानी कि प्रोटोजाइलम जो पहले बने हुए सेल हैं, पहले बने हुए सेल्स हैं, फर्स्ट नंबर पर जो सेल बने हैं, पहले जो सेल बने हैं, प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और मेटाजाइलम जो है बाद में बने हुए सेल्स हैं, जो मेटाजाइलम वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है। मतलब इसकी डेवलपमेंट कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, और ऐसे का क्या मतलब होता है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। तो प्रोटोजाइलम के अंदर सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट है, और एंडार्च जाइलम के अंदर सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट होती है, और एग्जार्च जाइलम के अंदर सेंट्रिपिटल अरेंजमेंट होती है। एग्जार्च जाइलम जो है वो कॉमनली रूट्स में पाया जाता है काफ़ी प्लांट्स की। तो ये था एंडार्च और एग्जार्च के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको वस्कुलर बंडल्स अब अच्छे से समझ आ गए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का वस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।